ये है खरगोन के सनावद में मौजूद श्री शनि गजानन शक्तिपीठ। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के दक्षिण तट पर सनावद नगर में इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर इस शनि गजानन शक्तिपीठ में भगवान गणेश की परम पावन प्रतिमा स्थापित है। यहाँ भगवान गणपति की गोद में भगवती नील सरस्वती भी विराजित हैं। मंदिर के पट खुलने से पहले पुजारी भगवान गणपति की प्रतिमा को गोद में लेकर मंदिर प्रांगण से गुजरते हैं। इस दौरान श्रद्धालु जिनमें बच्चे और बड़े सभी शामिल होते हैं मंदिर में एक कतार में पैर सीधे करके बैठ जाते हैं। और पुजारी उनको पार करते हुए भगवान को उनके मंदिर में विराजमान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से उनके सभी रोग और कष्टों का निवारण होता है। ये दिव्य मंदिर महीने में केवल एक बार ही कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर खोला जाता है। भगवान की इस दिव्य प्रतिमा के दर्शन करने का एक अनोखा महत्व है। यह बड़ा पवन और पूरे पावन धाम है। यहाँ पर भगवान श्री उच्छिष्ट महागणपति विराजित हैं। इस धाम की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर भगवान गणपति की गोद में भगवती नील सरस्वती विराजित हैं। गणेश जी के अनेक स्वरूप हैं, उन स्वरूपों में या तो रिद्धि सिद्धि विराजित होते हैं लेकिन यहाँ पर नील सरस्वती विराजित है और इसीलिए इन्हें उच्छिष्ट मूर्ति कहा गया। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान के दर्शन से पहले मुंह में पान गुड़ या लड्डू रखकर दर्शन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कहा जाता है कि मुंह में गुड़ रखने से धन की वृद्धि होती है और लड्डू से अन्न की, वहीं पान से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान उच्छिष्ट गणपति के दर्शन और आराधना तुरंत फल देने वाले हैं। चार वेदों में से अथर्ववेद में भगवान उच्छिष्ट गणपति का वर्णन है। मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य संदीप बर्वे ने उच्छिष्ट गणपति की महिमा पर प्रकाश डाला। इस दिव्य मंदिर में अगर भगवान उच्छिष्ट महागणपति के दर्शन करना है तो गुड़ लड्डू अथवा पान इनमें से एक ही वस्तु मुख में रखकर या खाते हुए दर्शन करने जाते हैं। गुड़ खाने से धन की वृद्धि होती है, पान खाने से सभी प्रकार के सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा लड्डू खाने से अन्न की वृद्धि होती है। इस प्रकार से अगर कोई भी भक्त भगवान के दर्शन करते समय लड्डू अथवा पान खाते हुए दर्शन करता है तो उसकी निश्चित ही मनोकामना उच्छिष्ट महागणपति पूर्ण होती है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। भगवान गणेश के दर्शन मात्र से बुद्धि ऐश्वर्य और संतान की प्राप्ति होती है। वहीं सभी अनिष्ट ग्रहों का निवारण भी हो जाता है, इसीलिए यहां दूर दूर से श्रद्धालु महीने में एक बार इस प्रतिमा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। नरेंद्र भटोरे, इंडिया न्यूज़, खरगोन।